नमस्कार। आज मोकामा विधानसभा क्षेत्र के औंटा पंचायत स्थित शिला उच्च विद्यालय मैदान में बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र संक्रांत सर का आगमन हुआ। कुछ दिनों पहले औंटा में उद्घाटन हुए नए इंडोर कबड्डी कोर्ट को देखने के लिए वो पटना से चलकर औंटा के शिला उच्च विद्यालय मैदान पहुंचे थे, जहां मैदान में खेलने वाली बालिकाओं ने और उनके कोच मोहम्मद इलियास ने भरपूर स्वागत किया। डीजी सर उनके स्वागत को देखकर बहुत आनंदित हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्चुअल औंटा फेसबुक पेज और अभी हम लोग लाइव हैं औंटा के शिला उच्च विद्यालय मैदान में और यहाँ पे इंडोर कोर्ट में मौजूद हैं बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक उर्फ डीजी साहब, डायरेक्टर जनरल महोदय जो रविंद्र संक्रांत सर हैं, और ये यहाँ बच्चों से मिलने के लिए, बालिकाओं से मिलने के लिए आए हैं। पहली बार इंडोर कोर्ट पे, कबड्डी के कोर्ट पे यहाँ मौजूद हुए हैं और बच्चों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं यहाँ। ये औंटा में खेलने वाली ये बालिकाएं मोकामा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से औंटा के शिला उच्च विद्यालय मैदान में कई वर्षों से मिट्टी पे खेल रही थी। इन बालिकाओं के कोच मोहम्मद इलियास कई वर्षों से इन बालिकाओं के लिए प्रयासरत थे ताकि इन्हें संसाधन मुहैया हो सकें। दर बदर घूमने के बाद आखिरकार बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र संक्रांत सर को ये बात पता चली और उन्होंने कुछ दिनों पहले औंटा के मैदान में मोकामा क्षेत्र की बालिकाओं के लिए मैट की व्यवस्था करवा दी। ये बालिकाएं औंटा के शिला उच्च विद्यालय मैदान में शनिवार और रविवार को मैट पे प्रैक्टिस करती हैं। अभी भी इनके लिए सेपरेट कोर्ट की व्यवस्था नहीं हो सकी है। हालांकि इतना उपलब्ध हो जाने के बाद बालिकाओं के अंदर में एक आत्मविश्वास आया है कि वो आगे चलकर इस पूरे सूबे का नाम और भी ज़्यादा रोशन कर सकेंगी। रविंद्र संक्रांत सर ने बालिकाओं से एक एक करके उनका इंट्रोडक्शन लिया, उनके बारे में जानकारी ली और पता चला कि ये बालिकाएं आसपास के क्षेत्रों से बहुत ही गरीब और मध्यम परिवार से आती हैं और ये बच्चों से, बालिकाओं से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। ये मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं कि बिहार खेल प्राधिकरण के महानिर्देशक हैं, डीजी सादाब के नाम से इन्हें कहते हैं सब, डीजी शंकरन सर हैं और कबड्डी का कोर्ट आया है मोकामा प्रखंड के औंटा पंचायत के शिला उच्च विद्यालय में और ये इंडोर कोर्ट है जहां ये बालिकाओं से पहली बार परिचय प्राप्त कर रहे हैं ये डीजी सर। और एक एक करके बहुत सारी बालिकाएं हैं ये पूरे प्रखंड से। आपको मालूम हो मोकामा का यह क्षेत्र कबड्डी के लिए मशहूर है। बीते कई वर्षों में मोकामा प्रखंड की कई सारी बालिकाओं ने मोकामा और पूरे राज्य का नाम देश के कोने कोने में मशहूर किया है। डीजी सर के स्वागत में मौके पर दरियापुर पंचायत के पूर्व मुखिया श्री राजू प्रसाद, न्यू ज्ञान ज्योति के प्रिंसिपल और डायरेक्टर श्री राकेश कुमार, कोच मोहम्मद इलियास और गांव के कई सारे गणमान्य मौजूद थे। आप अगर जो कबड्डी में इंटरेस्टेड हैं, कबड्डी खेलना चाहते हैं, मोकामा या आसपास के क्षेत्रों से औंटा पंचायत में आ सकते हैं तो आपका स्वागत है। आप यहां आकर कबड्डी में नामांकन ले सकते हैं और यहां के कोच से कबड्डी की ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। आप देख रहे हैं वर्चुअल औंटा फेसबुक पेज
देखते रहें, जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना न भूलें। ठीक है, बोलो। अच्छा।